नीमका थाना के पाटन से बड़ी खबर है। मनरेगा में मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई है। मिट्टी में दबने से एक अन्य मजदूर भी घायल हुआ है। आधा दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। मृतक बुधराम यादव शिमली बिहार का निवासी बताया गया है। डाबला पुलिस में जब्ता मौके पर पहुंची। आसपास के पंचायतों के सरपंच और ग्रामीण सहायता के लिए मौजूद। घायलों को पुलिस ने लोगों की सहायता से पाटन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यानी कि जिले का जो अस्पताल है वहां भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी फिलहाल इलाज जारी है उनका। डाबला पुलिस मजाबता मौके पर पहुंची है। जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि एक मजदूर की मौत हो गई है। नीमका थाना के पाटन से बड़ी खबर। मनरेगा में मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत। मिट्टी में दबने से एक अन्य मजदूर भी घायल हुआ है। आधा दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। मृतक बुधराम यादव शिमली बिहार का निवासी बताया गया है। उसकी मौत हो गई है। मिट्टी दबने से यह हादसा हुआ है। इसके अलावा एक अन्य मजदूर भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है, क्योंकि डाबला पुलिस भी टीम के साथ मौके पर पहुंची है। आसपास के पंचायतों के सरपंच और ग्रामीण सहायता के लिए मौजूद है, क्योंकि यह हादसा आगे भी हो सकता है। किस वजह से मिट्टी ढही, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन एक मजदूर की मौत हो चुकी है। सीकर से बरसे होगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हुकुम सिंह, कुछ वजह पता चल पाई, वहीं दूसरा भी घायल बताया जा रहा है मजदूर, उसकी हालत कैसी है? पूनम, ये जो मनरेगा में एक साथ में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, लगभग यहाँ भी जो गांव है शिमली है, गांव यही काम चल रहा था, और यहाँ पर लगभग 50 की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जो अभी भोजन करने गुच्छा बनाकर अलग अलग लोग बैठते हैं, जहाँ छांव होती है तो एक पेड़ की छांव थी, लेकिन एक साथ में छोटा टीला था, मिट्टी का टीला था, जिसकी तपिश भी बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ वो मजदूर लगभग 8 की संख्या में मजदूर बैठे थे खाना खाने, और उस दौरान मिट्टी वो धसी है और धसने से एक मजदूर की तो काफी देर बाद तक उनको नहीं निकाल पाए, तो जो मृतक है बुधराम मेहता उसकी तो ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया। इसके अलावा एक मजदूर गंभीर रूप से उसको अभी वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन और बड़ी संख्या में थे जो वही मौके पर जिनको तुरंत निकाल लिया गया, तो वो लोग तो शकुशल है, लेकिन एक मजदूर है जो अभी हम प्रार्थना करेंगे वो शकुशल रहे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी स्थिति गंभीर है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, लेकिन वाकई में बेहद गंभीर विषय, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।